आओ चलो आ जाओ, डॉग्स को खोलें, आओ आओ डॉग्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और दोस्तों अभी नमाज़ पढ़कर आया हूँ मैं, और एक चीज़ आज बहुत अजीब हो गई। आज दोस्तों 9 मुहर्रम है, तो मैं समझा कि आज जो बर्ड मार्केट है वो लगेगी नहीं, और इस चक्कर में हम घर पे बैठे रहे। लेकिन हमें कॉल करी भाई ने, एक बंदे से पता करा, उसने बोला इतनी बेहतरीन बर्ड मार्केट लगी थी आज, आप लोगों को लाजमी आना चाहिए था। वो बताएं आप, किस्मत देखें आज हम जा ही नहीं पाए, और जुम्मे का दिन था तो 9 मुहर्रम मैंने बोला शायद ना लगी हो क्योंकि सब बंद होता है, तो इस चक्कर में रह गए। कहते हैं दोस्तों आज डफ्स का हम जो कर रहे हैं ना, एक सेटअप ऐसा कर रहे हैं, अरे जो डफ के मेन पेयर है ना, जो माँ बाप हैं इनके, जिनके ये अंडे हैं, तो सीन ये है कि वो बैठ नहीं रहे और अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे ऐसे। तो हमज़ा और मैंने सोचा है, हमज़ा आ रहा है, हमज़ा और मैंने सोचा है कि इसके अंडे निकाल लें इनके पास से, और ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इन सबको हम और इन डफ्स को भी शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर वाले केज में। ऊपर वाले केज में शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, सुकून से रहेंगे, खुले रहेंगे, इनको थोड़ा फ्लाई हाई चाहिए होता है, इसके अंदर ये सारे फंस गए हैं, तो इसके अंदर हम इंशाल्लाह कोई और चीज़ लाके डाल देंगे, और अभी इनको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो चलें उसको मैं बुलाऊं और इनको शिफ्ट कर देते हैं वहाँ। पहले अंडे निकालो, देख के निकालना, बहुत ये बहुत होशियार हैं दोनों के दोनों, बल्कि सारे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले इसको उसमें डाल देते हैं, बाद में अंडे आराम से निकाल देंगे। फिर निकालो निकालो, अब एक एक करके पकड़ के अंदर हाथ डाल के इनको डालते रहो, आराम से आराम से आराम से। छोटे वाला अंदर अगर हाथ में आ रहा है टेम करने, हाथ रख के ये एकदम निकले, बस जल्दी से बंद करना पहले। चलो भाई डालो इसको, एक तो जाए। इनके साथ रख देंगे, बकरियों के साथ ये सेट हो जाते हैं दोस्तों, आराम से रहेंगे, कोई इनको खुला डुला माहौल मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि बड़ा है ना ऊपर का गीज, तो आराम से रहेंगे। अब बाकी जो है वो भी सारे छोड़ देंगे, और जो अंडे हैं उनका हम क्या कर रहे हैं वो भी मैंने एक चीज़ सोची है, हम आपको चल के बताता हूँ। दिखा ना इधर ला, वो जो बोल रहा है ना ये इधर लाल होता है उसको, नहीं यही बड़ा, यही बड़ा है, ये है हमारे इनमें सबसे छोटे, बड़ा चौकन्ना होता है भाई, बड़ा तेज होता है ये। निकाल लो इसके अंडे, ले आ ऊपर कर, सीधी कर, सही है बिल्कुल। चलो भाई, तो दोस्तों ये अंडे निकाल लिए हैं, अब इनके अंडे जो है ना वो हम रखने जा रहे हैं कबूतरों के नीचे। तो असल में बात ये है, ये लोग टाइम नहीं दे रहे और ये जो है अंडे ख़राब कर देंगे, तो हमने बोला कि डफ के जो अंडे हैं वो कबूतरों के नीचे रख देते हैं, और देखते हैं कि वो इनको बच्चे निकाल पाती है मादी या नहीं। वैसे वो अपने भी अंडे तरीके से नहीं सेक रही, क्या हुआ। चलो भाई आ गए, ये हमारे खुले में, ये भी जल्दी से अंडे दें, मिश्रियाँ मुर्गी बड़ी हो जाए जल्दी से बस। चलो ये मेरी जेब में चाबी निकालो, जल्दी जल्दी मैं देख रहा हूँ, इसका नर चेंज कर देंगे यार, है ना, इसका नर मज़ेदार नहीं है, नर जो है ना इसका दोस्तों थोड़ा मतलब खास नहीं है ऐसा, मादा जो है वो नस्ली है। ये ले भाई, लाना था इनके अंडों को पता नहीं दोस्तों, इनके अंडे भी चेक कर लिए, इनके अंडे तो ख़राब हैं। अब ये अंडे डाल रहा हूँ मैं इसके नीचे आराम से, चारों के चारों, और इसके नीचे वो डालो, थोड़ी सी घास रखनी पड़ेगी हम तो, हाँ नीचे कर दो नीचे कर दो, मेरा लेफ्ट हैंड था ना पढ़ नहीं रहा, ये अपने अंडे बस इसको करना दे, इसको यही हो रहा होगा कि इतने बड़े अंडे से इतना सा कैसा आ गया। ये वाला दोस्तों जो इसका अंडा निकला है ये बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इसमें सिर्फ जर्दी है और अंडा है ही नहीं। इसको मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देता हूँ, कोई बच्चा नहीं बना, ये ख़राब अंडा है, कबूतरों ने जो है वो अंडा ख़राब कर दिया, हमने पहले ही फेंक दिया था। अब डफ के अंडे रख दिए हैं, देखते हैं डफ के बच्चे कब निकालते हैं, अब हमें डफ का इंतजार है, ताला डाल दिया हमने, अब देखते हैं कब निकालता है भाई। इसको सही से सेक देना यार, ताकि ये निकल आए जल्द से जल्द। दोनों को चेक कर रहे हैं हम, और माशाल्लाह से ये देखें, इसमें बहुत वो है, ये लड़ाकू है, ये जो है हमारा दुश्मन है ये इसका, वो देखो 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 देखा जरा सा इधर उधर कैसे कैसे इसने मारा फौरन, मतलब हमारे को आज ये पता चली चीज़ दोस्तों, वो बेचारा व्हाइट वाला शरीफ है, ये जो है ना ब्राउन वाला, ये ख़तरनाक है, ये इसको मारता है बेचारे के पीछे पड़ा हुआ है, इसका दुश्मन है व्हाइट वाले का। ये लो कशान अंडा चाहिए, कब्बू का अंडा, कब्बू का कबूतर का, हाँ बाबा ख़राब कर दिया, हमने डफ के अंडे रख दिए उसके नीचे गई, और डब्स को ऊपर रख दिया सारों को, ताकि वो आराम से रहें, और इधर इस पिंजरे में कुछ और चीज़ ला के डाल के यहाँ पर रख देंगे। चलें इसका अंडा चेक करें पहले, चलो भाई कोने पे ले आके तोड़ेंगे,
ये देखें पूरे का पूरा अंडा ख़राब निकला है। देखा मेरे हाथ भी गंदे हो गए सारे, मतलब कबूतर सही टाइम नहीं देता तो ये होता है अंडे के साथ। खैर चलें अंदर चलते हैं। दोस्तों ये देखें, ये रहा पेयर, ये जो सामने बैठे हैं दोनों के दोनों डांस कर रहे थे अभी, जो इस पे बैठे हैं डंडी पे, ये दोनों पेयर हैं। एक साथ बैठते हैं ना, सारों के साथ घूम जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन सा है। खैर चलें, इनको इनके साथ मिला दिया, इनका अब नया घर यही है। बाकी दोस्तों जो वाला पिंजरा उसमें कुछ और लाके डाल देंगे, आज तो नहीं, क्योंकि आज आपको मैंने बताया कि कैसे बर्ड मार्केट का हमारे साथ धोखा हो गया। हम समझे कि सब बंद होगा, लेकिन सब खुला हुआ था। उसकी वो भी लगा दी हमने अंडे की ऊपर की तरफ। और एक चीज़ दोस्तों कि ये जो हांडी है ना बड़ी, ये आप लोगों को पता है कॉकटेल, ये इसके लिए होती है, कॉकटेल के लिए। तो हमने तो कॉकटेल समझ के डाल दिए थे कि चलो यार कॉकटेल की इधर बना देंगे, पर अब आपको पता है पता नहीं होता, चेंजिंग हो जाती है। तो चेंजिंग की वजह से दोस्तों हमने इसको निकालने का फैसला करा है, और जो एक छोटी हांडी है वो डालने हम इसके अंदर। तो इसके अंदर छोटी हांडी डाल देते हैं और बड़ी निकाल लेते हैं। काफी मेहनत के बाद वो हांडी निकाली दी आखिर, बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों की दोनों हांडियां आराम से एक वहाँ एक यहाँ फिट कर दिया, कि अगर हम फ्यूचर में और भी कोई लाकर लेकर आए, बजरी तो नहीं लाएंगे वैसे, अगर होगर ही लाए तो वो अंदर डाल देंगे इन्हीं के साथ। माशाल्लाह से कॉलोनी बेहतरीन लग रही है, आप खुद देखें कितनी खूबसूरत लग रही है सारे के सारे। दोस्तों मैं काम से गया था, हमजा ने मेरे को बोला कि उन्होंने अंडे तोड़ दिए कबूतरों ने। यार कहाँ है अंडे, उठो यार, इन्होंने खा गए अंडे। देखो ये छिलका पड़ा हुआ, एक वो पड़ा हुआ, इनका अपना अंडा एक पड़ा हुआ जो हमने रहने दिया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। तुमने अंडे ही खा गए तुम दोनों के दोनों? अरे भाई क्या सीन करा इन्होंने, दोनों के दोनों अंडे ही खा गए, पूरे के पूरे डफ के अंडे खा गए। अबे यार इसे अच्छा तो डफ के पास ही रहने देता मैं अंडे, कम से कम वो अगर होती भी ना तो बैठ जाती किसी तरीके से। आइंदा नहीं रखूंगा मैं, आइंदा नहीं करूंगा भाई ये हरकत के इन लोगों के नीचे रख दूं। हाँ यही है, डफ के अंडे खा गए। तो शुक्र है कि उसके अंदर कोई बच्चे अच्छे नहीं बने थे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं बाहर गया हुआ था तो मुझे हमदा ने बताया जल्दी से जाके देख यार अंडे कहाँ गए। मैंने बोला अंडे कहाँ गए, तो आगे देखा तो अंडे ये खा गए भाई। चलो खैर नहीं हो सका तो क्या कर सकते हैं। काले खान को भाई मैंने बोला ये पराठे के टुकड़े हैं, ये बचते हैं, ये खिला देने चाहिए, बहुत मुफीद होते हैं इनके लिए। और चलो खिलाते हैं इन्हें, आ जाओ। बोरे वो कितने शौक से खा रहे हैं, हाथ से नहीं खिला सकता इसको, ये मेरा हाथ पूरा कर देता है। उस दिन भी मैं चोंच मार ली, बड़ी शदीद तेज चोंच मारता ही है। जल्दी जल्दी खा लो, खा गए तो ख़त्म भी कर दिया माशाल्लाह। भले खान स्पीड जा रही है। चलो इनका खाना पीना आओ। अरे 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 मेरा हाथ तो छोड़ दे अल्लाह के बंदे, मेरा हाथ तो छोड़ दे यार। बाकी दोस्तों नौ मुहर्रम है और हमारी यहाँ न्याज बढ़ने वाली है, और मुझे ही बांटने जाना है क्योंकि मैं छोटा हूँ घर का। तो चलें मैं चलता हूँ बांटने के लिए। तो अगर आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। और आगे ब्लॉग में दोस्तों और भी मज़ा आने वाला है, और भी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा सा बस मेरे को टाइम चाहिए और सपोर्ट चाहिए आपके भी। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।